नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। ITI सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 2023 को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ITI से रिलेटेड सभी यूजफुल अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइज, आप सभी को पता है ITI सप्लीमेंट्री एग्जाम 1 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। बट गाइज, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप लोगों को पता होना कंपलसरी है, अदरवाइज जो है इसका बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो है आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम प्रोग्राम जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप सभी को पता होगा 1 दिसंबर 2023 से आप लोगों के ईडी और प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे और उसके बाद में 10 दिसंबर से जो है सीबीटी एग्जाम होंगे। अब आपका एग्जाम पैटर्न जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आप लोगों का उसी के अनुसार रहेगा जो आप लोगों का पहले मेन एग्जाम के समय हुआ था। जैसे मान लो 2018-19 वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 2018-19 सेशन वाले, जिनका ड्राइंग का जो पेपर है वो ऑफलाइन हुआ था, तो उनका ड्राइंग का पेपर अभी भी क्या होगा, ऑफलाइन ही होगा। इसके बाद में जैसे मान लो 20-21-22 एडमिशन सेशन वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ड्राइंग का पेपर जो है ऑनलाइन हुआ था, तो उनका जो बेक एग्जाम है वो भी ड्राइंग का ऑनलाइन ही होगा। मतलब एग्जाम पैटर्न जो है आप लोगों का वही रहेगा जो आप लोगों का पिछली बार जब आप लोगों ने मेन एग्जाम दिया था उस समय जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न था वो सेम जो है इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा फिर भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में 10 दिसंबर से आप लोगों की सीबीटी एग्जाम होंगे। अब देखिए, एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड जो है आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने से 5 दिन पहले, यानी कि लगभग लगभग मान के चलिए 25 नवंबर के आसपास जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ITI सप्लीमेंट्री एग्जाम का बेक एग्जाम फॉर्म जो है वो फिल किया है, फॉर्म भरा है, उनके एडमिट कार्ड जो है वो 25 नवंबर के आसपास जो है जारी हो जाएंगे। लगभग 80% के आसपास तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेक एग्जाम फॉर्म भरा ही नहीं है। ये एक सरप्राइज शॉकिंग चीज है, बहुत ही ज्यादा सोचने वाली चीज है कि 80% के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं एनुअल सिस्टम वाले। आप सोच के देखो, एनुअल सिस्टम वाले जो ज्यादा पुराने स्टूडेंट्स भी नहीं है, उनकी यह हालत है कि उनमें से लगभग 70-80% स्टूडेंट्स तो बेक एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरे। लगभग जो है 20% के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेक एग्जाम फॉर्म को फिल किया है, तो उनके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बेक एग्जाम फॉर्म फिल किए हैं उन सभी को स्पेशली मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह से DGT ने जो सेमेस्टर सिस्टम वाले स्टूडेंट्स थे, सेमेस्टर बेक स्टूडेंट्स थे, उनको अब जो है बेक एग्जाम देने के लिए मना कर दिया है। उनका बेक एग्जाम लेने के लिए DGT ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया है कि सेमेस्टर सिस्टम वालों को बहुत बार मौका दिया जा चुका है, अब हम सेमेस्टर सिस्टम वालों को और मौका और बेक एग्जाम देने का चांस नहीं देंगे। तो दोस्तों, सेम ऐसी चीज जो है एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट्स के साथ भी होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स बेक एग्जाम देने वाले हैं वो ये सोचें कि आप लोगों को ये लास्ट चांस जो है दिया जा रहा है बेक एग्जाम देने का, तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट वे में प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें, शानदार जबरदस्त लेवल की तैयारी करके जाएं। और सोच के देखो यार, छोटी छोटी सब्जेक्ट है आपके, छोटा सा सिलेबस है, छोटे छोटे चैप्टर है, उनको आप लोग तैयार नहीं कर पा रहे, फिर आप सोच के देखो जिंदगी में क्या करोगे। कोई बड़ा रिस्क तो आप ले ही नहीं सकते। तो इन चीजों को आप माइंड में रखते हुए सोचे कि आप लोगों का बेक एग्जाम देने का लास्ट मौका है, इसके बाद में क्या पता DGT वाले आप लोगों को और मौका ना दे, तो ऐसी परिस्थिति अपने साथ ना हो। इसके लिए अपने हाथ में यही है कि आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन करें ताकि 100% सफलता आप लोगों को इन बेक एग्जाम्स में मिल सके। तो पूरी क्लियरिटी के साथ, पूरी जो है मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो है आप लोग इन बेक एग्जाम में जाइए, अच्छे से एग्जाम पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोगों को इन बेक एग्जाम में सक्सेस मिल सके
और इसमें किसी प्रकार की जो है नेगेटिव चीज, नेगेटिव रिजल्ट जो है वो हमें ना मिले। तो इसके लिए हमें जो है अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से चीजों को समझना पड़ेगा और एक सही रास्ते पे चलना पड़ेगा ताकि आप लोगों को जो है इन एग्जाम्स में 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ो और 100% सक्सेस को जो है आप लोग हासिल कर सको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी जितने भी बेक एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी जो है बढ़िया से मेहनत करेंगे और अच्छे से जो है एक अच्छी सक्सेस जो है इन बेक एग्जाम्स में आप लोगों को मिलेगी। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है बेक एग्जाम्स को लेकर, कोई भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट्स को लेकर, क्वेश्चन आंसर्स को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।